सिर्फ 20 साल की उम्र में तुनिशा हम सब को छोड़कर चली गई। ऐसे में अब तुनिशा शर्मा के केस की मैं बात करूं तो उनके को एक्टर शिजान को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा जो माँ का बयान है उसने सारी चीजें जो है पलट कर रख दी है। हम आपको बता दें कि आज शिजान खान की कोर्ट में पेशी होगी। तो क्या तुनिशा को प्यार में धोखा मिला था, क्या इसी बात को लेकर वो हताश और निराश थी? तो जो खबर सामने आ रही है वो यही है कि अलीबाबा टीवी सीरियल की तुनिशा शर्मा केस में शनिवार को देर रात नया ट्विस्ट तब आया जब एक्ट्रेस की मां ने जो बयान पुलिस को दिया उसमें ये साफ कहा कि उन्हें किसी और पर नहीं शिजान पर शक है। दरअसल शिजान और तुनिशा का पिछले दिनों ही ब्रेकअप हुआ था जिसके बाद तुनिशा ने हताश और निराश होकर ये कदम उठाया है। रविवार को अब शिजान को कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं तुनिशा का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और पोस्टमार्टम भी आज ही होना है और आज ही शिजान की कोर्ट में पेशी भी है। हम आपको बता दें कि शिजान के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है। कल यह हादसा तब हुआ जब टी ब्रेक हुआ था और हर कोई ब्रेक पर था, तो ऐसे में तुनिशा जो है मेकअप रूम की तरफ चली गई। जब वो बहुत देर तक बाहर नहीं आई, दरवाजा खटखटाया गया लेकिन तब भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद जो है दरवाजा तोड़ा गया और जब दरवाजा तोड़ा गया तो सामने तुनिशा जो है उसने वो पंखे से लटकी हुई पाई गई। तो अब हॉस्पिटल तुरंत ले जाया गया लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तुनिशा की मां ने शिजान पर गंभीर आरोप लगाए हैं और जिसकी वजह से जांच में नया मोड़ आया है। तो पुलिस ने एक बयान दिया है जिसमें ये साफ कहा है कि हम जो है इस पूरे केस की जांच जो तुनिशा की मां ने बयान दिया है उस एंगल से करेंगे। शिजान पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है और आज शव का पोस्टमार्टम भी होने वाला है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है चौंकाने वाली खबर है। महज 20 साल की थी। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि वो काफ़ी समय से परेशान थी और उसको अक्सर इस बात की चिंता लगी रहती थी कि घर कैसे चलेगा। शिजान के साथ ब्रेकअप के बाद वो और ज़्यादा निराश हो गई थी, लेकिन अब जब पुलिस तफ्तीश करेगी तो आगे की चीज़ें सामने आएगी कि आखिरकार पूरा मामला क्या था। तुनिशा केस में अगर कोई भी अपडेट आएगा तो मैं हिना कुमावत टीवी विंडो पर लेकर जरूर आऊंगी। तो फिलहाल बने रहिए टीवी विंडो के साथ क्योंकि आज शिजान की पेशी जो है वो भी कोर्ट में होने वाली है। उसको लेकर भी अगर कोई अपडेट आएगा तो हम आप तक लेकर जरूर आएंगे।